चलेगी, सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसडीएम के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24x7 न्यूज में। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा मसूरी से क्रिंगिंग तक स्वरोजगार करने वाले ग्रामीणों को सीलिंग और ध्वस्तीकरण के नोटिस जारी करने के बाद स्थानीय लोगों में खासा नाराजगी दिखाई दे रही है, जहां कल सभी दुकानदारों द्वारा विरोध में दुकानें बंद कर प्रदर्शन किया गया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं लोगों का आरोप है कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण के नाम पर लोगों का शोषण किया जा रहा है, जबकि ग्रामीणों द्वारा अपनी भूमि पर स्वरोजगार करने के लिए पिछले 30 से 35 वर्षों से छोटी छोटी दुकानें खोलकर अपने परिवारों का भरण पोषण किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग द्वारा ऊंचे रसूख वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, लेकिन गरीब लोगों का उत्पीड़न किया जाता है। देखिए पूरी रिपोर्ट मसूरी से नितेश उनियाल की यूके 24x7 के लिए। मैं भट्टा गांव से हूँ जी, बलबीर सिंह जलवान। और अगर हमारी दुकानें टूटती हैं, इन गांवों की, तो मसूरी में जो R3 रेजिडेंशियल में नक्शा पास हो रखा है और उसमें होटल जो है उसमें आ रहे हैं और उसमें जो है ना कमर्शियल एक्टिविटी जो है ना चल रही है, उसको हम पूर्ण रूप से बंद करवाएंगे, चाहे हमें उसके लिए आधी मसूरी खाली करनी पड़े, चाहे उसके लिए हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। लेकिन जो ये अवैध बने हुए, जैसे ये हमको अवैध कह रहे हैं, मसूरी में जितने भी रेजिडेंशियल एक्टिविटी में कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, उनको नहीं छोड़ा जाएगा हमारे द्वारा। हम बिल्कुल इसका आंदोलन बहुत बहुत बड़े स्तर पर करेंगे। देखा गया है कि प्रशासन द्वारा जो है गरीब तबका था उसी पर अपना जोर अजमाइश की जाती है, लेकिन बड़े होटल वालों को छोड़ दिया जाता है। हम वही बात कहना चाह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, अगर गांव वाला दुकान खोल के किनारे पे बैठा हुआ है, उसका MDDA के द्वारा जो है उसका जो है ना ध्वस्तीकरण का आदेश आ जाता है, और जो दिल्ली से आया है मसूरी, उसने रेजिडेंशियल नक्शा पास करवाया है और वो होटल की एक्टिविटी उसमें कर रहा है, होटल चल रहे हैं, करीब 250 से 300 लगभग होटल हैं उसमें जो आज भी चल रहे हैं, हम फिर इनको नहीं छोड़ने वाले किसी भी कीमत पर। सरकार स्वरोजगार की बात करती है, लेकिन स्वरोजगार हम तो कह रहे हैं कि ये जो जब आप मसूरी पहुंचते हो कुठाल गेट से लेके मसूरी तक, तो 20 किलोमीटर का एरिया हमारी ग्राम सभा का आता है, जिसमें हम अपना रोजगार कर रहे हैं, अपना स्वरोजगार कर रहे हैं, लेकिन ये उसको भी नहीं करने दे रहे हैं। उसके बाद हम जो है ना रोजगार करने कहाँ जाएंगे, देहरादून में जाएंगे या ऊपर जाएंगे मसूरी में? हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है गाँव वालों के पास। लड़ाई जारी रहेगी। ये आज आपका धरना प्रदर्शन है, किस चीज के खिलाफ आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें MDDA द्वारा अतिक्रमण के नोटिस दिए जा रहे हैं। हम लोग 70-80 से, उससे पहले से हमारे दादा परदादा भी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी छपरे यहाँ हुआ करती थी। आज हमने रोजगार के लिए अपने छोटे छोटे दुकानें डाली हैं तो हमें नोटिस दिए जा रहे हैं, इसी कारण पूरा गांव हमारे यहां खड़े हैं। और कितनी दुकानें हैं जिनको नोटिस दिए गए? ये लगा लो आपकी किंग रेक से नीचे और ये मैगी पॉइंट तक सारी मैक्सिमम दुकानों को नोटिस दिए जा चुके हैं। हमारा कल के लिए ध्वस्तीकरण के आदेश हैं, किसी के आज के लिए हैं, किसी को 23 के थे, तो ऐसे करके इसलिए आज इसके विरोध में हम खड़े हैं, क्योंकि आज MDDA द्वारा ध्वस्तीकरण का वो करा था और पूरे पुलिस बल के साथ यहाँ बुलाया गया था, तो इसीलिए हम उसको पूर्ण विरोध के लिए यहाँ खड़े हैं। तो किसकी तरफ से आपको नोटिस दिया गया है? MDDA द्वारा। जमीन जो है अपनी जमीनों पे है या अपनी जमीनों पे है हमारी? कब से है आपकी दुकानें हैं? हमारी दुकानें तो हमारे दादा परदादाओं के टाइम से हैं, उस समय छप्पर हुआ करते थे, और वैसे लीगल तरीके से देखा जाए तो हम 70-80 से पहले से बैठे। हमारी मांगे नहीं मानी गई तो युवा खड़ा है, विरोध करेगा पूर्ण तरीके से, पहले शांतिपूर्वक करेगा, अगर उसके बाद वैसी बात नहीं बनी है तो जो जैसा हो सकता है वैसे करेंगे। MDDA जो है जब दुकानें बनती है उस समय तो नहीं खड़ा होता है, लेकिन जब दुकानें बन के जो आदमी पूरी जीवन भर की पूंजी उस पे लगा देता है, उसके बाद नोटिस दिए जाते हैं, तो वही तो दुर्भाग्य है। पहले आदमी को बताया जाए, रास्ता दिखाया जाए गाँव वालों की, जैसे अभी कहा कि भाई यहाँ पर बंदोबस्त की समस्या है और चीज़ों की समस्या है, वो चीज़ निवारण हो तो आदमी कुछ करे। मसूरी से विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनसे आपने बात रखी है? सबने रखी है, उनके पास गए, उन्होंने आश्वासन भी दिया है हमें, उन्हीं के कारण है और वो उन्हीं का गांव है ये, वो जान आश्वासन ये दिया गया है कि भाई यथावत रहेगी हमारी दुकानें जैसे हैं,
कार्रवाई करी जाएगी, जैसे भी होगा आगे बढ़ाएंगे बात। हमारी डीएम से बात हुई, डीएम का सीधा सीधा कहना है कि जो दुकान है जो भी अतिक्रमण की जर में आती है सारी तोड़ी जाएगी, उसके खिलाफ किस तरीके से? उसी के खिलाफ तो खड़े हैं भाई साहब, ये सब लोग उसी के खिलाफ तो खड़े हैं एमडीडी द्वारा, वही वाला सवाल है ये दोबारा से। लगातार लड़ाई जारी रहेगी आपकी? लगातार जारी रहेगी जब तक हमें सही समाधान नहीं मिला।